नमस्कार, मैं हूं सौरभ भाटिया और आज मैं समाचार प्लस के चुनावी घुमक्कड़ के किरदार में हूं। मैं इस समय पहुंच चुका हूं पौड़ी जनपद की लैंसडाउन विधानसभा में। यहां के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार 5 साल पूर्व जो विधायक ने वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए और क्या उन्हें उम्मीद थी। भाई साहब, किस तरीके के वादे जो है विधायक जी द्वारा किए गए थे और कितने पूरे हुए हैं? माननीय विधायक जी द्वारा लैंसडाउन विधानसभा के लिए जो वादे किए गए थे उन्होंने अपने 5 साल में पूर्ण निर्धारित समय रहते हुए पूरा कार्यक्रम किया है और पूरे वादे पूरे किए हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी 29 अक्टूबर 2015 को लैंसडाउन महोत्सव में बुलाए गए, आमंत्रित किया गया और यहाँ पर वो पहुँचे और माननीय विधायक जी के कहने पर उन्होंने सब घोषणाएँ की गई, लेकिन 1.25 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ पे एक घोषणा धरातल पे नहीं उतरी। और एक छोटी से छोटी घोषणा थी, सुबह 6 बजे वाली बस लैंसडाउन से भवाली वाली डिपो वाली चलाने के लिए, वो भी आज एक बस नहीं लग पाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संघ और लैंसडाउन वासियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है ये उनको आने वाले चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, जो वादों की बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, पेयजल की बात की जाए, क्या विधायक जी ने उस तरफ ध्यान आकर्षित किया है? क्या वो तमाम सुख सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं? नहीं, हमारे माननीय विधायक जी ने इसके लिए पूरा संघर्ष किया है और चाहे वो पेयजल समस्या हो, चाहे इससे रिलेटेड कोई और समस्या हो, उन्होंने इसके लिए जितना उनसे हो सकता था उन्होंने उसके लिए काफ़ी किया है और वो हमारी बिल्कुल क्षेत्र की हर एक समस्या से वो जुड़े रहे हैं। और जहाँ तक और ये समस्याओं की बात है तो काफ़ी हद तक वो हमारी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया है। लोग कहीं पर जो है ये कहा जा सकता है कि संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि विधायक ने जो है बेहतर काम किए हैं, लेकिन तमाम और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके के जो वादे थे वो विधायक जी द्वारा पूर्व में किए गए थे और अब जो है क्या हालात हैं लैंसडाउन विधानसभा के। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने वादे पूरे किए हैं, मेरी समझ से उनके व्यक्तिगत कुछ वादे रहे होंगे, वो पूरे किए होंगे तो अलग बात है, नहीं तो धरातल में तो हमको कहीं दूर दूर तक कोई वादे या कोई काम, इतना बड़ा कोई काम नज़र नहीं आया है। ये आम जनता जानती है कि इस समय लैंसडाउन विधानसभा में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे चले गए हम 10 सालों से बहुत पीछे हैं, इसलिए कोई काम नहीं हुए। छोटे मोटे अगर कहीं बहुत दूर अगर नैनीडाना धुमाकोट में कहीं तालाब या कुएँ खोदे होंगे तो अलग बात है, लेकिन लैंसडाउन विधानसभा के नज़दीक में जितने भी क्षेत्र है, हम जो लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो काम होने चाहिए थे। जहाँ तक इन लोगों का ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने शायद इनको सौतेला व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार तो केंद्र सरकार ने किया है। अगर केंद्र सरकार पूरा धन दे देती है, आज इनको ये मालूम होना चाहिए कि केदारनाथ का क्या हालत थी और क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या उसका बदलाव कर दिया है चंद समय में, और बिना उसके धन भी केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया था। कुंभ उन्होंने अपने बलबूते पर कुंभ जो है इतना बढ़िया संपन्न किया है। और बहुत अभी भी जो बसों की बात करें, तुरंत अभी 1-2 दिन के अंदर यहाँ बसें लगने वाली हैं। अच्छा, पानी की समस्या जो है ये देखा जाता है कि लैंसडाउन में काफ़ी रहती है, तो क्या पानी की समस्या से कहीं निजात मिली है या जस की तस हालात है? पानी की जो समस्या थी जो जस आज से 10 साल पहले थी वो आज भी वही हालात है। लैंसडाउन के जो विधायक चुन के यहाँ से गए थे उन्होंने, वो केवल कोटद्वार के विधायक बन के रह गए, वो लैंसडाउन में अगर कोई उद्घाटन या कुछ करना हो, रिबन काटने के लिए तो विधायक जी यहाँ मौजूद हो जाएंगे, लेकिन लैंसडाउन की प्रगति या विकास के लिए कोई कार्य करना हो उस पर वो कहीं नज़र नहीं आए। ना उन्होंने कभी संघर्ष करने की कोशिश करी कि लैंसडाउन के लिए कोई विकास आगे हो। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या जो वादे थे विधायक जी के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हों, क्योंकि हर विधायक का एक दावा होता है कि बेहतर शिक्षा होगी, चिकित्सा होगी, पेयजल की आपूर्ति होगी, क्या वो सब चीज़ें पूरी हो पा रही हैं? हमारे जो विधायक जी हैं वो एक जमीनी नेता है, चाहे शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, किसी भी क्षेत्र में पेयजल से हो, उन्होंने क्षेत्र का चौमुखी विकास कराया है और 24 घंटा अपने क्षेत्र में घूमने वाले ऐसे, मतलब उत्तराखंड में ऐसा विधायक कोई नहीं है। और दलीप रावत उत्तराखंड का एक तीसरा विधायक ऐसा है जो जिसने विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला विधायक है और जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब आदमी के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक समय में अपने क्षेत्र में भ्रमण करता रहता है और देहरादून में ऐस करने के लिए नहीं जाता बल्कि अपने क्षेत्र में घूमता रहता है। हम आने वाले चुनाव में ऐसे विधायक को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। भाई साहब, क्या कहेंगे कि विधायक जी ने कुछ काम किए हैं जिससे जो है यहाँ के लोगों को राहत मिल सके? जो सुख सुविधाओं की बात की जाती है कि विधायक जीत के आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र में कुछ बेहतर काम होंगे, क्या वो काम हुए हैं, यानी आपकी कसौटी पे खड़े उतरे हैं? माननीय विधायक जी जो है विपक्ष के विधायक थे
और विपक्ष में आदमी काम नहीं कर पाता, सवाल उठा सकता है, और उन्होंने यहाँ की पूरी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा है और बड़े अच्छे तरीके से रखा है। जैसे अभी हमारे कह रहे थे कि उनका तीसरा स्थान है इसमें सवाल उठाने में, और माननीय विधायक जी एक सहज मिलनसार आदमी हैं और आपको सहज उपलब्ध हो जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपना पूरा प्रयास इस क्षेत्र के लिए किया। अब जब यहाँ मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर सकता तो एक विधायक किस तरह से कर पाएगा, यह बहुत मुश्किल है। देखिए लगातार एक के बाद एक जिस तरीके के आरोप और लोगों की समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, जरूर जो है लोगों में कहीं जो है उनको लेकर बेहतर जो रिस्पांस मिल रहा है वो है, और कहीं जगह पर जो है नेगेटिव जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। भाई साहब, क्या वो तमाम वादे जो थे, आप लोग जो है यहाँ के बिल्कुल वाशिंदे, आप पानी को लेकर जो है हमेशा सड़कों पर रहे, यहाँ पे पार्किंग की बड़ी जो है असुविधा की बात की गई, बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करो, क्या वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हो पाई हैं बेहतर, या अभी भी हालात वही हैं? हालात जस के तस हैं। पानी की जो बड़ी समस्या थी, भैरवगढ़ी एक बहुत बड़ी योजना थी इस पूरे क्षेत्र के लिए, कम से कम 160 गाँवों के लिए भैरवगढ़ी आनी थी, लेकिन अभी जो है भैरवगढ़ी पर काम नहीं हुआ है, धन आवंटन के बाद भी अब क्यों नहीं हुआ है, ये काम जो है विधायक जी को भी करने चाहिए थे, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो होता है ना विधानसभा में, उनकी जिम्मेदारी है। अब हर काम के लिए हम लोग थोड़ी ना धरना देंगे, हम लोग थोड़ी ना कुछ वो करेंगे, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो उन्होंने सफल प्रयास नहीं किया है, नहीं हो पाया है, जबकि होना चाहिए था उनके द्वारा, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब जो है शायद उनको जनता इसका नतीजा जो है अभी देने वाली है तुरंत। भाई साहब, 5 साल का समय पूरा हो चुका है, बहुत सारे वादे रहे थे जिन्हें पूरा करने की आप लोगों को भी उम्मीद रही होगी कि ये वादे पूरे होंगे, क्या वादे पूरे हुए? सर वादे ऐसा होता सर, पहले चीज होती है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ को नहीं पता चलेगा कि उसके पेट में दर्द है या उसको क्या तकलीफ है। जब हमारे प्रतिनिधि हमारी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम केंद्रीय नेतृत्व, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या अन्य किसी पार्टी का, हम उसको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उसे सपना नहीं आएगा कि इसके यहाँ पर क्या तकलीफ है। हमारी तकलीफ को उठाने वाले, अब हमने सांसद के रूप में कोहिनूर का हीरा भेज रखा है, कोहिनूर का मतलब आप एंटी में समझ सकते हैं कि वो पहले भी रहे सांसद, आज भी रहे। अब हम बोले मोदी जी ने काम नहीं किया, अरे मोदी जी तो तभी करेंगे जब संसद में हमारी आवाज को उठाएगा। हमारी आवाज को आज तक उन्होंने पहले भी नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया, बल्कि जो चीज अगर आने की होती है वो चीज वो चाहते हैं कि लैंसडाउन से ये चीज भी गायब हो जाए। उनकी ये सोच है, व्यक्ति व्यक्ति की सोच होती है, पार्टियां हम पार्टियों को दोष नहीं देते हैं, काम इंसान ही करता है, पार्टी तो एक सिंबल होता है, ठीक है। अगर व्यक्ति सही नहीं है तो हम पार्टी को दोष देंगे फलाना पार्टी काम नहीं कर रही, पार्टियां सब सही काम करती है। और जहां तक यहां के विधायक जी का सवाल है, उन्होंने 5 साल तो विधानसभा में ये उठा दिया कि साहब कोई सरकार विपक्ष काम नहीं कर रहा, विपक्ष के काम नहीं हो रहे, आज वो अखबार के एक पेज में निकाल रहे हैं कि हमने इतना काम किया। अरे भाई जब सरकार ने काम ही नहीं किया, आप कह रहे हो कि 5 साल आप धरने में बैठ रहे सरकार काम नहीं, तो इतना बड़ा आप ये योजना लाए कहां से, अपने घर से लगाया पैसा, योजनाएं आप कहां से लाए? जब आप 5 साल तक ये रोना रोते रहे कि आप बाघ आ गया बाघ आ गया, जब बाघ आ रहा तब कह रहे हो कि आप भागने की नौबत आ रही है। तो काम वो करो तो जमीन में जनता समझे, जनता बेवकूफ नहीं है, रोटी खाती है, जनता को आप दिखा रहे हो अखबार में कि हमने इतनी योजनाएं लाए। अभी जब योजनाएं आप 5 साल तक कह रहे हो सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही, तो योजनाएं जब सरकार आपको कुछ दे ही नहीं रही है तो आप कहां से लाए इस चीज को, आप बताइए। भाई साहब लगातार जो है इस तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं कि योजनाएं बनती जरूर हैं लेकिन धरातल पर नहीं दिखाई देती है, कागजों में ही तमाम योजनाएं दम तोड़ जाती हैं, क्या कहेंगे आप लोग? लहरों से तो जितनी योजनाएं भी माननीय विधायक जी के यहाँ पहुंची हैं, उन विधायक माननीय विधायक जी ने उन योजनाओं पर पूरा कार्य किया गया है। विधायक जी निधि से लहरों में लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपया आवंटन हुआ, हिंदू पंचायती धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपया आवंटन हुआ, नीचे 8 घर के लिए, मंदिर के लिए 80,000 रुपये, यहाँ के मंदिर के लिए 30,000 रुपये आवंटन, जितनी परियोजनाएं माननीय विधायक जी को लहरों से दी गई उन्होंने वो पूरी करी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल किसी और विधानसभा में पहुंचेगा हमारा चुनावी घुमक्कड़।